बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में कोविड 19 के वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू। सिकंदराबाद के संयुक्त चिकित्सालय में किया गया वैक्सीन को लगाने का पूर्वाभ्यास। शुरुआत में 25-25 मरीजों को बनाए दो ग्रुप। वैक्सीन आने पर सर्वप्रथम इन्हीं को लगाई जाएगी। इस दौरान किसी की ज्यादा तबीयत होती है खराब तो उसका भी किया गया पूर्व अभ्यास। SDM रविशंकर भी पहुंचे चिकित्सा अधिकारियों का पूर्व अभ्यास देखने, स्वयं करवाई कुछ व्यवस्थाएं। गौरतलब हो कोरोना की वैक्सीन जिले में आ सकती है कभी भी। वैक्सीन आने से पूर्व अस्पतालों में रखरखाव प्रबंधन की जा रही व्यवस्थाएं। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सिकंदराबाद में सरकारी चिकित्सालय में सब मौजूद है, हमारे पास किया गया है, सब खड़े हैं, उससे बात करते जानकारी लेते हैं। तो धर्म हमारे यहाँ किस लिए आपका आवेदन हुआ? जो कोविड 19 के प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हमारा चलाया जाना है, आज उसका जो है यहाँ पर मॉकड्रिल, तो मॉकड्रिल में क्या चीजें कैसे की जाएंगी और उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, इस चीजों का जो है पहले से डिसाइडेड था कि आज होगा, उसी चीजों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और उसमें जो भी परिवर्तन की आवश्यकता थी, जो भी सलाह था, वो भी मैंने जो है दिया है। और डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि ये चीजें जो है अगर हम लोग कर ले तो ये बेहतर स्थिति होगी। तो इसके अलावा जो पूर्वाभ्यास में जो उन्होंने तैयारियां की थी उससे क्या आप संतुष्ट नजर आए? जी हाँ, बिल्कुल। जो है इस संबंध में कल हमारी बैठक भी हुई थी और बैठक में हम लोगों ने जो है काफी इस पर विस्तृत चर्चा की थी और क्या चीजें कैसे की जाए इसका भी हम लोगों ने पहले से ही जो है चर्चा करने के बाद उसका आज केवल पूर्वाभ्यास हो रहा था, तो वही देखने के लिए आ रहा था। उसमें जो है प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये यहाँ के अधीक्षक महोदय भी हमारे पास हमसे कुछ जानकारी थे। सर कितना आपको लगता है कि कितने समय में वैक्सीन आ जाएगी और उसके लिए क्या आपने व्यवस्थाएं की है रखने के लिए? नहीं, व्यवस्थाएं 100 लोगों का एक दिन में होना है, उनकी हमने व्यवस्था तैयारी पूरी कर ली है। और क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन में भी और उसमें भी AEFI कोई हो जाता है, अगर किसी को रिएक्शन हो जाता है तो उसकी व्यवस्था हमने पूर्ण कर ली। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें वैक्सीन रखने की क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? नहीं, कोल्ड चेन हमने अपनी तैयार कर ली है, उसमें वैक्सीन रखने के लिए पूरी तैयारी कर। क्या टेम्परेचर से संभव? जो 2 से 8 डिग्री पे हमको रखना है उनको वैक्सीन को, और वो हमारे तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर अभी जो शुरुआत में जो पूरा अभ्यास आपने किया है, कितने शिक्षकों को आपने वैक्सीन लगाने का अभ्यास किया है? नहीं, जो हमने किया है अभी आज जो है हमने 25-25 दो सेंटर बनाए हुए हैं, 25-25 लोगों को बुलाए हुए हैं। सब 19 को एक को लग गई है और 20 को एक को लग गई है। हमारे प्रयास में हुए जैसा कि यहाँ पर हॉस्पिटल में पूर्वाभ्यास का किया गया था और साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन के लिए भी कोल्ड चेन बनाई हुई है। 25-25 दो अभ्यास यहाँ पर किए गए हैं और लगातार ये कभी भी वैक्सीन आ सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनोज जोशी, मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद।